ठीक जी है। जी देखिए कौन कौन से काम आपके बन गए वो बताइए, जो आपने किए हैं और कौन कौन से मेरा काम आपके बने हैं अब तक वो बता अब दीजिए। तक मेरा जो मेरा आपका जो सुनने वाला जो है ना, मैं हर एक दिन आपका जो वो 16 मिनट्स का या 18 मिनट्स का जो एक ध्वनि है ना, जी जी धुन ठीक है है, मतलब हाँ धुन है, वो धुन तो 8 मिनट का है, बाकी तो मतलब बातचीत है, ठीक है, वो मैं हर एक दिन एक बार सुनती हूँ, हर एक दिन, ठीक है, अच्छा मतलब सुबह मेरा वो सब मंत्र वंत्र हो जाता है, सुबह उठने के बाद मैं नहाने के बाद मंत्र वंत्र हो जाता है, उसके बाद मैं पूजा देने के बाद ही मैं बात जाती हूँ सुनने के लिए, ठीक है, तो हर एक दिन मैं सुनती हूँ और वो बहुत काम करता है, मैं मतलब मेरा 4-5 काम बन गया, और वो मैं आज से नहीं, वो मैं 4-5 महीना से सुन रही हूँ, ठीक है, अच्छा और मैं वो तो काम कर ही गया, ठीक है, बहुत बार काम कर गया और इस बार भी काम कर गया, ठीक है, पर मेरा ओम एंड क्लीम वाला मैंने कभी भी किया नहीं था, ठीक है, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम होता है मंडे टू सैटरडे मैं 6 बजे तक कर सकती हूँ, पर संडे एक ही दिन छुट्टी मिलता है, तो ठीक है उस दिन ना मुझे मतलब उठने में थोड़ा दिक्कत हो जाता, तो मैं अभी क्या करती हूँ, जब सब सोते हैं ना, मेरे घर में मतलब ऐसा कि 7:30 बजे तक सोते हैं, 8 बजे तक, क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड रहती हूँ, ठीक है, तो मेरे हस्बैंड 8 बजे तक सोते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, 7 बजे उठने के बाद नहा खा के मैं 7:30 बजे बैठ जाती हूँ, ठीक है, पूरा सामने जो गोपाल का, कृष्ण का, जो किशन जी का जो है ना फोटो होता है ना, इमेज इमेज नहीं, फोटो, तस्वीर, ठीक है, वो तस्वीर रखती हूँ, एक मतलब एक धूप कठी होता है ना, बत्ती जिसको बोलते हैं, जी बत्ती नहीं, क्या बोलते हैं, अगरबत्ती, सॉरी, हाँ अगरबत्ती देती हूँ और एक आसन में बैठ जाती हूँ रेड कलर का, ठीक है, और मैं मतलब पूर्व दिक जो होता है ना, वहां पे मतलब उस दिशा के मतलब दिक मुख रख के मैं मतलब वो मंत्र बोलती हूँ, मैं 21 बार नहीं बोलती हूँ, मैं 108 बार बोलती हूँ, क्योंकि आपने कि 100 से ज्यादा अगर होता तो और भी अच्छा प्रयोग होगा, मतलब और भी अच्छा काम होगा, ठीक है, अभी मुझे देखिए वो भी एक ऐसा है कि परमानेंट वाला है, अभी तक जो मुझे लग रहा है कि काम हो गया, क्योंकि मैं दोनों के लिए किया था, या एक मेरा हो गया, हाँ, पर एक मेरा अभी भी चल रहा है, ठीक है, और एक मतलब मेरा सिर्फ यही कंफ्यूजन था, क्योंकि आपने बोला था ब्रह्मा मुहूर्त, पर मैं ब्रह्मा मुहूर्त में नहीं कर सकती, क्योंकि मंडे टू सैटरडे कर सकती हूँ, संडे में नहीं हो सकता है, तो मैं क्या करती हूँ, जब पूरा शांत रहता है ना, शांत मतलब मेरे घर में जब शांत रहता है, ठीक है, पूरा मतलब चुपचाप ऐसा, तो 7:30 बजे मैं करती हूँ पूरा नहाने, उस टाइम मुझे डिस्टर्ब कोई नहीं करता है, ठीक है, और एक प्रयोग मैंने रिसेंटली किया है, 7 दिन का जो प्रयोग है, जलाना पड़ता है, एक कागज में लिख के आपका क्लॉकवाइज घुमा के उसको जलाना पड़ता है, उसके बाद उसका 3 तिलक लगाता है, एक माथे पे, एक गले पे शायद, और एक छाती पे शायद, ठीक है, वो भी मेरा काम हो गया, ठीक अच्छा है, तो इसलिए मैंने आपको कॉल किया था गुरुजी, थैंक यू सो मच, और एक बात मैं मतलब आपको पूछने वाली थी कि आपने जो मैंने कमेंट भी किया था आपको, शायद आप बिजी हो इसलिए आपने रिप्लाई नहीं किया, मेरा एक आपने एक दिया था ना कि संडे को एक प्रयोग करना है वशीकरण का, आपने जी दिया था जी ना, हाँ सर, वो क्या संडे ही सिर्फ करना है, या संडे मतलब संडे को शुरू करके पूरा दिन मतलब हर एक दिन करना है, क्या नहीं, वो करना संडे है, को ही करना है सिर्फ एक दिन 21 बार जी है जी ना, जी जी अच्छा ठीक है, सिर्फ एक दिन 21 बार करने के बाद ही मतलब वो हो जाएगा, जी है ना, बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू और सो आप मच, लोगों को क्या कहना चाहेंगे, जो लोग ये वीडियो सुन रहे हैं उनको कुछ कहना पहले भी चाहेंगे? आपको कॉल की थी, मैंने पहले भी बोला है काम जरूर करता है, हाँ, पर देखिए मतलब मैं ऐसा मतलब वशीकरण का चीज मैं करती नहीं हूँ, सिर्फ आपने ये चीज बोला है, क्योंकि देखिए पहले मैं ना किसी का वशीकरण का चीज ऐसे इसलिए नहीं करती हूँ, क्योंकि भी ये ना उल्टा हो जाता है, ठीक है, तो मैं पहले आपका जो भी करती हूँ वो है जो इच्छा, मन का जो इच्छा है वो पूरा करने के लिए, ठीक है, तो मैंने इतना सारा प्रयोग किया और इतना सारा काम कर गया मेरा, ठीक है, अभी मैं मेरा जो है अभी मैं वशीकरण का भी करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अगर काम कर गया तो ये भी करेगा, करेगा बिल्कुल ही बिल्कुल करेगा, करता है। ठीक है, क्योंकि पहले अगर मैं सच में बोलूं, अगर मैं वशीकरण का करती ना तो मुझे उतना विश्वास नहीं होता, पर ये सब चीज इतना हुआ है कि मुझे विश्वास है कि अगर अच्छे तरीके से ठीक से करोगे, और हर एक चीज में मतलब जैसे सब बोलते हैं, मैं भी बोलना चाहती हूँ कि हर एक चीज में अगर विश्वास है तो शायद
मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि मैंने जो भी प्रयोग किया वो परमानेंटली एक सिचुएशन के लिए प्रयोग किया, अभी वो अभी तक ठीक है, ठीक है, बाद में भी ठीक रहेगा अगर वो विश्वास के साथ मैं फिर से कर, क्योंकि वो ओम एंड क्लीम, ये जो मतलब फिर से ओम वाला ध्वनि जो है, धुन जो है, ये आपको परमानेंटली सुनना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एक दिन करोगे 10 दिन नहीं करोगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो बहुत अच्छा काम कर गया। मैं अभी वाटर का भी करूंगी, पर वाटर का क्या होता है, मैं छूट गई, मतलब मैं भूल गई थी, ठीक है, तो ऐसा तो काम नहीं कर रहेगा, नहीं, ठीक है। तो मैं वो जो वाटर, क्योंकि आपने बोला है वो जो मन का विष है ना, वो बाहर, मतलब बाहर से जो लोग है वो उसको दिखना चाहिए, मतलब अंदर लिखोगे ऐसा नहीं होगा, बाहर से लिखना चाहिए, है ना, मतलब ऐसा करके लिखना है कि बाहर से भी मुझे दिखाई दे, पर किसी और देख, मतलब किसी और इंसर्ट देख ना ले, ऐसा भी है, ठीक है। तो इसलिए मैं वो भी प्रयोग करूंगी, उसका भी अगर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, मुझे लगता है, मतलब मैं श्योर हूँ आएगा, तो मैं आपको करूंगी फोन, ठीक अच्छा, है। और जो लोग काम करते हैं, जो जैसे आपने किया और उनका काम हो नहीं पाता, तो उनको क्या कहना चाहेंगे जो उदास हो जाते हैं? बहुत सारा फ्रॉड लोग होता है, ये तो है, बहुत सारा फ्रॉड लोग होता है, ठीक है, बहुत सारा ऐसा होता है कि तुम करो चंद मिनट में हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक तजपत्ता में नाम लिख के ये जला दो बस हो जाएगा, पर ये वाला ना नहीं होता है मुझे जो लगता है, क्योंकि ये ना बहुत उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि पहले वशीकरण का चीज मत करो, पहले ये मन का इच्छा ये सब करो, अगर काम हो जाता, क्योंकि अगर काम नहीं, आप काम होगा ही होगा। देखिए ये तो मैं पहले तो आपको नहीं बोल रही, बहुत सारा लोगों का भी काम बना है, ठीक है, तो अगर 5 जन का बना, मतलब बन सकता है, तो बाकी का क्यों नहीं बन सकता, बिल्कुल जी बिल्कुल, है ना, तो बनेगा ही बनेगा, पर पहले आप ये करो, और एक साथ में हर एक प्रयोग मत करो, मतलब एक एक करके करो, तो एक एक करके काम करता है। अगर तुम, समस्या ये है कि लोग चाहते हैं चुटकी बजाते ही काम हो जाए, नहीं वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, देखिए वो भी होता है, मतलब चुटकी में नहीं होता, पर फिर भी 2-3 दिन में होता है, पर वो भी आपको मतलब उतना ना, जैसे हम लोग जब एग्जैक्टली जैसे हम लोग अगर कुछ करने के लिए बैठते हैं ना, हम लोग का दिमाग ना कहीं और जगह में चला जाता है, ये भी बात है, ठीक है, पर आपको शांति में, इसलिए आपने बोला है कि ब्रह्मा मुहूर्त में करना, ताकि कोई भी आवाज भी आपको आपके कान में ना आए, ठीक है। और बहुत सारे जैसे आपका ओम का धुनी है ना, धुन है ना, वो वाला धुन तो बहुत इजी है, सिर्फ सुनने पड़ता है, आपने तो ऐसा नहीं बोला कि जो कुछ नहीं कर सकते, एग्जैक्टली एग्जैक्टली मात्र से होता, अभी आप अगर सुनने के बाद भी अगर आप 1 सेकंड सुनते हो, बाकी बात करते हो, फिर सुनते हो, फिर ऐसे तो नहीं चलेगा ना, आपको पूरा मन से, अगर आप किसी प्रयोग नहीं कर सकते तो आप सुन तो सकते हो ना, और देखो आपको कुछ भी करना नहीं पड़ रहा, आप घर पे बैठ के ये कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ये इसको जलाना पड़ता है, एक पुतला को जला सकता है, नहीं ऐसा तो ये नहीं, क्योंकि ये सब चीज में ना डिसएडवांटेज ज्यादा होता है, मतलब ये सब मत करो कि तेज पत्ता पे नाम लिख के जला दो, किसी का बाल जला दो, ऐसा नहीं, पर ये वाला जो प्रयोग है ना, ये बहुत प्रचलित, मैंने ऐसा नहीं कि आपको, आपका 100 अगर वीडियोस है, मैंने ऐसा नहीं कि 100 वीडियोस किया, नहीं, पर मैंने जो जो भी किया बहुत सुनने के बाद, क्योंकि कमेंट में ना कोई भी नहीं लिखता है कि मेरा काम बन गया, मतलब लोग ऐसा है, अगर काम मेरा जो आप अगर देखोगे, मेरा पूजा सरकार का जो है, मैं जो जो भी वीडियोस अब तक आपका देखी हूँ, मैंने लिखा है जो मेरा काम हुआ है ना, मैंने वो वीडियोस के नीचे लिखा है, सर काम मेरा बन गया, पर लोगों को भी लिखना चाहिए, एग्जैक्टली लोगों को भी लिखना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आपका नहीं बन गया तो ठीक है मत करो, पर अगर आपका बन गया है तो आपको तो वो दिखना चाहिए ना, लोगों को यही कहता हूँ कि अगर आपका काम बनता है तो आप हमें फोन करके बताएं, ताकि दूसरे लोगों को भी इससे मदद मिले, एग्जैक्टली, पर देखिए जैसे मेरा, मैं आपको एक साथ आप बात कर रही हूँ, आप तो ऐसा नहीं कि मुझे सिखा दिए हो या आपने मुझे पैसा दिए हो, नहीं, मेरा काम बन गया है, इसलिए मैंने आपको खुशी से कॉल किया, क्योंकि मेरा बताता हूं आपको, आजकल लोग ऐसा कहते हैं कि मैं आप लोगों को पैसे देता हूं आप लोगों से ये बुलवाने के लिए नहीं, कि आपका काम बना है, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा हो लोग? सकता है कि वो लोग ना बहुत जगह पे से ठग गया हो, मतलब बहुत लोग उन लोगों को ठग लिया, ठीक है, इसलिए उन लोगों का खराब एक्सपीरियंस है, पर यहाँ पे मैं बोलूंगी सिर्फ सुनने भर में अगर कोई किसी का काम बनता है तो करो, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है सर, थैंक यू सो मच, मैं भी यही कहना चाहता हूँ सबको कि जिनका काम बनता है वो अपने जो व्यूज हैं वो शेयर करें,
ताकि दूसरों की मदद हो सके। एग्जैक्टली, क्योंकि ना लोग पहले करने से पहले ना कमेंट सेक्शन में जाके चेक करते, मैं खुद भी करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये गलत है। वो लग बहुत ही, तो अभी मैं पानी का एक्सपेरिमेंट भी करूंगी और मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट संडे ये भी करूंगी। करने के बाद जो भी रिजल्ट है मुझे जरूर कॉल करके बताइएगा। जरूर जरूर जरूर। ठीक, आपने कॉल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसी तरह से कॉल करते रहिएगा। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है सर, थैंक यू। तो देखा आपने, जिस प्रकार से इनके कार्य बने हैं उसी प्रकार से आपके भी कार्य बनेंगे। याद रखिए, संसार में यदि किसी और के कार्य सिद्ध हो सकते हैं, किसी और के कार्य बन सकते हैं, तो आपके भी कार्य बनेंगे। जरूरत है तो सिर्फ सच्ची निष्ठा और विश्वास की। आज मैं आपको एक ऐसी आयत देने वाला हूं जिसको यदि एक बार आपने अमल में ला दिया तो आपका प्रेमी सात समंदर पार ही क्यों ना हो, आपसे मिलने के लिए तड़प उठेगा। लेकिन उस आयत को देने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस भी किसी साधक अथवा साधिका का कार्य पूर्ण हो जाता है, वह कृपया करके हमें अवश्य व्हाट्सएप पर या ईमेल करें या हमें कॉल करके बताएं, ताकि उनके ज़रिए दूसरे लोगों की मदद हो सके। आज मैं आपको जो आयात देने वाला हूँ ये एक मुस्लिम आयात है, और इसका प्रयोग तभी करें जब आप किसी के बिना जी नहीं सकते, किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हों और उसके बिना आपके लिए जीना दुश्वार हो जाए, आप उसके बिना एक पल भी ना रह सकें, तभी इस आयात का आप अपने जीवन में अमल करें। सबसे पहले आपको जो दो तस्वीरें दिख रही हैं, आपको इन दोनों तस्वीरों को लेना है, और जहाँ पर लड़की की तस्वीर है वहाँ पर आपको अपना नाम लिखकर चिपका देना है, और जहाँ पर लड़के की तस्वीर है वहाँ पर अपने साथी का नाम लिख के चिपका देना है, और इन दोनों को फोल्ड करके किसी भी भारी चीज़ के नीचे रख देना है, जो वज़नदार चीज़ हो, जैसे अलमारी के नीचे या कहीं पर भी रख दें, और 30 दिन तक वहीं पर दबे रहने दें। और जैसे ही आप इसको शुरू करेंगे दबाना, जैसे ही आयात आपकी पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपको ऐसा चमत्कार देखने को मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मात्र सिर्फ आपको जहाँ पर लड़की है वहाँ पर अपना नाम लिखना है और कुछ नहीं लिखना, और जो लड़के की फ़ोटो है वहाँ पर लड़के का नाम लिखना है, और इसको आपस में फोल्ड करके रख देना है। आप कितनी भी फोल्ड कर सकते हैं, बस किसी भी वज़नदार चीज़ के नीचे इसको 30 दिन तक यानी 1 महीने के लिए रख दीजिए, और उसके बाद आप खुद देखिए आपका प्रेमी, आपका सखा आपसे मिलने के लिए मारा मारा डोरेगा। हर जगह कहीं पर भी यदि वो होगा, यदि वो सात समंदर पार है, या वो आपसे नाराज़ है, या किसी तरह की विघ्न आ गई है आपकी रिलेशन में, या बीच में कोई आ गया है, ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बस आप इस आयात को करिए, और इस आयात को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके लिए आपको एक दिन बताऊं कि किस दिन करें, तो आप इसको शुक्रवार के दिन करें, अथवा आप अपनी मर्जी से भी किसी भी दिन कर सकते हैं, और इसको जितना हो सके ब्रह्म मुहूर्त में ही करें, तब आपको इसके रिज़ल्ट और भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और जब ये आयात पूरी हो जाए, जब आपका साथी आपके साथ हो, तो हमें कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा कि गुरुजी मेरा काम बना है, जैसे इन्होंने अभी फ़ोन करके हमें बताया, इसी प्रकार से आप भी हमें फ़ोन करके बताएं, ताकि हम दूसरों तक आपकी बात पहुंचा सकें और आपके ज़रिए दूसरों की भी मदद हो सके। दुर्लभ सामग्री को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाते रहें। ओम नमः शिवाय।